Hey bros, welcome back to my channel Thunderwadi. It's your bro here, and today we are gonna talk about how to win every match in PACE 2018 mobile. Here I will show you my record first so that you can come to know how I play PES so that you can follow my lead, or you can understand on your own how I play. So here I have played 1333 matches, in which I have won 990 of them, draws 153, and I have lost 190. So it means I am a quite good player. I consider myself a quite good player, not a professional one, but still I scored average in a match 3.26 and concede 0.98, means almost the opponent score one goals against me and I score 3.26, means on an average three goals, to be clear. And you have to consider some points of winning every match in PES. So first of all, you need to have speedsters in your team. That's a very important point. So let's just get our login bonus. I'm only 10 coins short. So let me show you some players that will help you win every match first of all, then we'll consider the next point. So here, when you have this type of players, you don't need to worry about anything. When you have Cristiano Ronaldo on your side, you don't have to worry, because he will do the rest, because he's a quite of player which finishing is 96, in which you have to consider all the players' ability first. Here you have to consider attacking prowess. Attacking prowess means he will be motivated to attack more and more. He will not back down from any challenge. That you need to consider. And then finishing. The finishing, in which when we kick the ball, the probability of the ball going inside. That is the finishing, which is 96, quite good maybe. But if you wanna play superstar very clearly, win very clearly, you need to have a team which is two minimum stars. If I could explain in Hindi, I would say that agar aapko jitne matlab superstar level ko jeetna hai agar, to aapko jitna kam ho sake utne star ki team banani hai. Jitna kam ho sake utne star ki team. तो अगर मैं आपको दिखाऊं, तो अभी मेरी ये टीम नहीं है, मतलब टीम मेरी है पर मैंने ऐसी ही लगाई थी. तो मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे करते हैं ये सब. तो पहले मेरे पास जेमी वार्डी है, जो वो भी एक स्पीडस्टर है, और मैं सबके स्टैट्स दिखाने वाला हूँ आपको. और यहाँ पे अहमद मूसा लगाऊंगा, वो भी स्पीडस्टर है, और ये अडामा ट्रायोरे. रुको, मैं पहले लगा लेता हूँ, उसके बाद आपको स्टैट्स समझाऊंगा. ये देखो, चार स्टार की है अभी टीम. तो अब मैं यहाँ डिफेंडर को लगा देता हूँ. मेरे पास काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं, काफ़ी. तो मेरे पास एक ऑप्शन रहता है कि कौन से प्लेयर यूज़ करें, और ऐसा कुछ नहीं कि हाई रेटेड ही प्लेयर चाहिए आपको. जो सिल्वर में भी है उसमें भी अच्छा मिलेगा तो भी ठीक है. देखो, मैं इधर एस डैन को यूज़ करूँगा और मैक्सिमोविच को इधर लाऊँगा. तो अब देखो, मेरी तीन स्टार की टीम हो गई है. अब मैं यहाँ पे अगर पेलिग्रिनी को लगाता हूँ, और यहाँ मैं मालकम को लगाऊँगा. आपको समझ में आ जाएगा. देखो,
अभी मेरी दो ही स्टार की टीम है। और इससे आपको फ़ायदा क्या होगा मालूम है, कि अब दो स्टार की टीम में ना आपके अपोनेंट के पास भी कोई ज़्यादा प्लेयर्स नहीं रहेंगे, उसके पास भी एक ही ब्लैक बॉल होगा, तो और वो भी ना ना के बराबर। और फिर भी अगर रह गए तो भी गोल्ड बॉल और सिल्वर बॉल, और या तो कोई हाई रेटेड प्लेयर रहेगा तो भी, बाकी सारे तो अपना ब्राउन्स बॉल और वाइट बॉल रहेंगे। तो आपके पास एडवांटेज होगा एक, कि आपके पास सिल्वर और गोल्ड प्लेयर्स का जमाव है, ज़्यादा है। तो अगर अपोनेंट के पास वाइट बॉल रहेंगे तो वो ज़्यादा अबिलिटी नहीं दिखा सकते, क्योंकि आपके पास ज़्यादा है प्लेयर्स। तो मैं स्टैट्स दिखाता हूँ अभी जेमी वार्डी के, ये देखो जेमी वार्डी के स्टैट्स। ये तो काफ़ी नॉर्मल है, फिनिशिंग भी ठीक ठाक है, पर ये देखो स्पीड देखो उसकी 93। तो अगर आपको टिकी टाका नहीं खेलना आता तो आप क्या कर सकते हैं, जो मिडफील्ड में अगर बॉल आ जाए तो आप डायरेक्ट जेमी वार्डी या किसी सेंटर फॉरवर्ड जो स्पीडस्टर है उसको आप थ्रू दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि वो भागते जाएगा और डिफेंडर उधर ही रह जाएगा, तो डिफेंडर के पहुंचने से पहले ही जेमी वार्डी गोल भी स्कोर करेगा। और ये भी अच्छा है एक सेंटर फॉरवर्ड जो भी स्पीडस्टर नहीं है, पर हालांकि उसकी स्पीड भी अच्छी है, ठीक ठाक है, और फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छा है, स्पीड उसकी 88 है, और ये भी अच्छा काम करता है। तो टू स्कोर टू विन एवरी मैच यू नीड टू हैव मिनिमम स्टार टीम, एंड आई कैन शो यू नाउ बाय प्लेइंग अ मैच। लेट मी शो यू बाय सुपर स्टार लेवल। ओ आई कैन, अगर ये पॉसिबल हो सका तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। नहीं तो एक काम करते हैं, कैंपेन में खेल के देखते हैं हम। कैंपेन में मैं आपको सुपरस्टार लेवल खेल के दिखाऊंगा, और आपको समझ में आएगा कि अगर आपके पास मिनिमम स्टार्स की टीम है तो। देखो अब मुझे, मेरा ये लगता कि मुझे एक ही स्टार की टीम में, तो आपके पास एडवांटेज रहता है ऐसा शायद। ये देखो, और अगर ओबामेयंग है इसके पास, तो ओबामेयंग तो पेस का सबसे स्पीडस्टर प्लेयर है, तो उसके पास तो बहुत ज़्यादा स्पीड है इसलिए। तो ऐसे अगर आप 3 और 4 स्टार की चूज़ करेंगे ना, और अपोनेंट के पास ओबामेयंग रहेगा ना, तो आप तो चांसेस बहुत कम होते हैं जीतने के, बहुत कम, बहुत मतलब बहुत कम। और ये तो लेट्स मैं शो दे दिखाता हूँ आपको कैसे जीतना है। पहले तो आपको बॉल का तो लेना पड़ेगा, ये देखो, और ऐसे पासिंग करके आपको ऐसे थ्रू बॉल देना है। तो ये देखो अभी जेमी वार्डी आगे आया, आराम से आगे आया और ये गोल स्कोर कर दिया। तो देखो कुछ करना ही नहीं पड़ा मुझे, मैंने सिर्फ ये देखो मिडफील्ड से बॉल डायरेक्ट जेमी वार्डी को दिया और ये स्कोर। देख यही मैं बोल रहा था आपको, अगर आपके पास स्पीडस्टर होगा, कि किसी कोई भी स्पीडस्टर चलेगा, अगर उसकी फिनिशिंग की भी नहीं रहेगी तो आपको मतलब ये करना रहेगा कि गोल पोस्ट के अंदर ही मारे, क्योंकि अगर इधर भी थोड़ा सा भी वाइड रह गया और उसकी फिनिशिंग रही रही तो वो गोल नहीं होगा। यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज अबाउट दैट। इनका इसकी एक स्टार की टीम है, उसकी वजह से बहुत ये देखो ऐसे थ्रू दिया, फिर ऐसे थ्रू देने का, ओह शिट, उसने मुझे उस वक्त टैकल किया इसलिए, नहीं तो वो भी गोल ही था। और ये ट्रिक काम में कब आती है, जब, ओ फाउल है, ये फाउल है।
जब आपके आपका कॉर्नर हो और तब आप थ्रू बॉल दें अपने सेंटर फॉरवर्ड को, तो ये ट्रिक बहुत काम में आती है। आपका कॉर्नर हो और अपोनेंट को लेट मी टेल यू, अगर आपका कॉर्नर हो तो आप इधर ही जब प्लेयर रहते हैं आपके पेनल्टी एरिया में, तो क्या होता है उधर, और वो मिडफील्ड के इधर प्लेयर नहीं रहते और अपना सेंटर फॉरवर्ड ही उधर रहता है मिडफील्ड के बीच, तो आप उसको थ्रू दे सकते हैं या लॉफ्टेड थ्रू दे सकते हैं, तो क्या होगा वो आगे जाएगा दौड़ते हुए और बॉल को लेके सीधा गोलकीपर के पास जाएगा या फिर गोल मारेगा। इसमें बहुत अच्छे चांसेस, देखो देखा कैसे स्पीडस्टर था, इसलिए ये अपना ये है, ये स्कोल। सिर्फ आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ये रखना है कि आपकी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा स्पीडस्टर हो और एंड यू हैव टू मेक योर टीम एज मिनिमम ऑफ स्टार्स एज पॉसिबल। दैट्स इट मैन, यू हैव इट देन माई ब्रोस। यस स्कोर अगेन। सो ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, टेंशन नहीं लेना है अजीब, सिर्फ आपके पास स्पीडस्टर होना चाहिए आप, और स्पीडस्टर लेने के लिए आप अच्छे से कुछ कर सकते हैं, मतलब अगर स्काउट से मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। मतलब आपको स्पेसिफिक में अब अभी आपको बताता हूँ, सबसे कम ये फ्रेज़र है, आर फ्रेज़र, तो इसको आप बहुत ही कम पैसे में ले सकते हैं, कम जीपी में। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, ईस्ट डॉकशायर की एक स्काउट चाहिए होगा, 3 स्टार, सिर्फ 3 स्टार, मतलब मिनिमम से मिनिमम, और एक स्कॉटलैंड का स्काउट 3 स्टार का, और एक लेफ्ट विंग फील्डर का स्काउट 3 स्टार का, मिनिमम से मिनिमम, मतलब आपको बहुत कम पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो इसका फिनिशिंग इतना खास नहीं है, पर इसकी स्पीड भी 91 है, तो उस तरह से आप क्या कर सकते हैं, गोलकीपर को चकमा एटलीस्ट दे सकते हैं और स्कोर कर सकते हैं आराम से, अगर आपको खेलना वैसे आता है तो। ये देखो एक्रोबैटिक फिनिशिंग, मतलब ये बाइसाइकिल की भी मार सकता है। ही कैन स्कोर बाइसाइकिल किक्स बाय दैट। ओके, यू हैव टू गिव दस जस्ट थ्रू बॉल्स मैन, दैट्स इट, एंड यू हैव टू हैव अ स्पीडस्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल मैन, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है, आपका ही फायदा है उसमें। ये देखें, ओह शिट, हाफ टाइम का टाइम है, मैं आपको फ्रेजर के साथ भी दिखाता हूँ एक दो गोल। ये देखो फ्रेजर आया इधर, मुझे नहीं लगता ये वीडियो किसी ने बनाई रहेगी, पर मैं आपको बता रहा हूँ, मिनिमम से मिनिमम स्टार्स रखे और स्पीडस्टर ज़्यादा रखे अपनी टीम में। हेक्टर बेलेरिन है मेरा आरबी है, वो भी एक काफ़ी अच्छा स्पीडस्टर है, उसकी स्पीड 95 है। ये देखो फ्रेजर, फिनिशिंग इतनी खास नहीं है, फिर भी देखो स्कोर कर ही दिया उसने, फिनिशिंग इतनी खास नहीं है। ये देखो आर फ्रेजर, फिर भी अब उसने स्कोर किया, और उस बेचारे ओबामेयंग को एक भी नहीं स्कोर मिला, तो आपको सिर्फ वही ध्यान में रखना है। और क्विक पास करें,
अगर मिडफील्ड में हो आप तो अच्छा फास्ट फास्ट पास करें। सुपरस्टार में भी आपको यही ध्यान में रखना है कि फास्ट पास करें, और अगर थ्रू बॉल आपको देना पड़े तो जल्दी दें। और एक आपके टीम में जो सिल्वर वाला है उसको सिल्वर और गोल्ड, तो उसमें एक आपको ये रखना है अपना सेट पीस टेकर, जो काफ़ी अच्छा मतलब 80-85 तक अगर रहेगा उसका तो वो काफ़ी अच्छा है। अगर आपके पास मेम्फिस डिपे या डैनी परेहो है तो वो भी चलेंगे, क्योंकि उनके पास भी काफ़ी अच्छी सेट पीस टेकिंग एबिलिटी है। ये देखो फ्रेजर आ गया, और इधर जाके आप हेडर भी दे सकते हो। ओह शिट, वो बैड लक था एक। आई होप ये मुझे फ्री किक देने का चांस दे। एक ये बाहर जाएगा बॉल। तो आपको हर मैच जीतने के लिए बहुत आसान उपाय मिल गया मैन। और अगर आप इधर आ गए तो आपको क्विक पासेस करना पड़ेगा। क्विक पास करने से वो है ना, वो अपोनेंट जो है वो रिएक्ट करने में देरी लगाते हैं। दे जस्ट फेल टू रिएक्ट क्विकली इफ़ यू आर इन अपोनेंट्स इफ़ यू आर इन अपोनेंट्स पेनल्टी एरिया, एंड इफ़ यू आर इन योर पेनल्टी एरिया देन आपको वो टैकल का बटन नहीं दबाना है। ये देखो मैंने गलती से टैकल का बटन दबा दिया और आउट ही हो गया। इसका कारण ये है कि अगर आपके अपोनेंट की ओ अच्छा सेव किया गया, अगर आपके ओपोनेंट का कॉर्नर है आपके पेनल्टी एरिया में तो क्या होता है, बॉल वो अंदर ही रहता है, और फिर भी आप गलती से शूट करना चाहते थे बाहर पर गलती से आप टैकल का बटन दबाते हैं, तो इससे क्या होता है आपके पेनल्टी का चांस बढ़ता है, आपके ओपोनेंट को पेनल्टी मिल जाती है। वो बॉल तो शूट क्लियर नहीं होता और वो पेनल्टी मिल जाती है उसका, मतलब दोहरा झटका लगता है आपको। बॉल तो एक तो क्लियर नहीं होता, पेनल्टी मिलने का चांस उसमें भी 90% गोल जाता ही है कितना भी आपका गोलकीपर अच्छा हो। पर वो भी मैं वीडियो बनाऊंगा आपको कि कैसे पेनल्टी सेव करते हैं। यू आपको है ना अपने मन पे भरोसा रखना पड़ेगा उसके लिए, मतलब कभी कभी लोग कर देते हैं मतलब एक ही साइड में क्यू, और कभी कभी ओके। सो मैंने आपको दिखाया अभी कैसे मिनिमम से मिनिमम आपको स्टार्स रखने हैं। लेट्स सी हु वाज द मैन ऑफ द मैच। ऑफ कोर्स जेमी वार्डी। यू हैव टू कीप योर स्टार्स टू मिनिमम। सो लोकिया दे वॉज टॉप प्लेयर, मैंने टॉप प्लेयर को आसानी से 5 गोल मार के पार कर दिया। राइट फुट ओके। तो आपको यही टिप्स आपको है कि मिनिमम से मिनिमम स्टार्स रखे, स्पीडस्टर्स रखे टीम में, और पास पास और थ्रू बॉल का उपयोग करें। ज़्यादा थ्रू बॉल का ही उपयोग करें, क्योंकि अगर आपने लॉफ्टेड लॉफ्टेड थ्रू का उपयोग करें, लॉफ्टेड थ्रू का उपयोग किया तो
आपके चांस स्कोर करने के बढ़ते हैं, क्योंकि आपका सेंटर फॉरवर्ड अगर स्पीडस्टर रहेगा तो वो भागते हुए उस बॉल का पीछा करता चला जाएगा, तो आपको एक एडवांटेज है। और उसके डिफेंडर, क्योंकि डिफेंडरों की ज़्यादा स्पीड नहीं रहती इसलिए वो स्पीडस्टर चाहिए अपने, तो क्या अपन आसानी से स्कोर कर सकेंगे। यहाँ पे मुझे सेंटर बैक चाहिए। ओके, सो होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो मैं आपको अभी इसकी भी स्पीड दिखा देता हूँ। इसकी भी कुछ खास फिनिशिंग नहीं है 66, पर इसकी स्पीड 95 है। तो क्या मैं किसको भी इधर, मुझे द चॉइस है कि मैं इसको भी थ्रू बॉल दे सकता हूँ, इसको भी थ्रू बॉल दे सकता हूँ और इसको भी थ्रू बॉल दे सकता हूँ। अहमद मूसा की मैं स्पीड दिखाता हूँ आपको, इसकी फिनिशिंग भी अच्छी है, तो स्पीड 92 है और स्टैमिना भी है अच्छा। तो मतलब और अगर आपको डिफेंस में ज़्यादा काम करना है तो आपको एक डिफेंस का स्पीडस्टर चाहिए रहेगा, यहाँ पे आपको लेफ्ट बैक चाहिए रहेगा, वो डेविड अलाबा भी अच्छा है, वो स्पीडस्टर है। और इधर एक्टर बेलेरिन भी अच्छा है, भी एक्टर बेलेरिन ये अच्छा है क्योंकि उसकी स्पीड 95 और एक्सप्लोजिव पावर 98। तो अगर आप अगर उसका कोई प्लेयर रहेगा अपोनेंट का और वो आपको थ्रू बॉल देके आपके गोल की तरफ जाता रहेगा तो उससे क्या होगा कि हेक्टर बेलेरिन उसकी स्पीड को मैच कर पाएगा और उसको टैकल भी कर सकता है टाइम में। तो होप आपको समझ आई हो बात जो मुझे कहना था, एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, पीस आउट ब्रोज़।